पूजा भी बेचारी रोने को हो गई थी आंसू आ गए इसके आंखों में, तभी चंदा मामा दिखे भाई। Hey guys, सुनो तो ब्लॉग, कल करवा चौथ का दिन है तो भाई आज मेहंदी लगवाएंगे पूजा को। ये हमारा कौन सा तीसरा करवा चौथ है, चौथा है पूजा, फोर्थ थोड़ी है, थर्ड है। 2019 में शादी हुई है अपनी, किसके लिए लगी करवा चौथ तो भाई कल इसका अपराध है तो आज मेहंदी लगवाएंगे। ये ड्राइव नहीं कर सकती, साथ में जाऊंगा और फिर वापस आएंगे। हाँ डैडी, मक्के की रोटी तो है यार, पापा को वहम रहता है कि पापा की रोटी में मक्का डला कि नहीं। श्री पापा जो है घोड़े की तरह, पापा खाते हैं 5-7 अनाज। पूजा बेचारी एक्सप्लेन कर करके थक जाती है कि ये मक्का भी है इसमें, ये भी है वो भी है। पूजा क्या चल रहा है वर्ल्ड से? क्या डैडी बोल रहे कि तुम मक्के की रोटी नहीं बना रही और मैं चने के आटे को मक्का मान ली कि मक्का ही है। मैं भी खड़ा होकर सोच तो रहा था कि है तो चने की, पर पापा के आगे कैसे एक्सेप्ट करूं। पूजा का गलती हुई है, पूजा पिटेगी। पहले पापा के कमरे में 1-2-3 गुरुजी की फोटो थी हर डायरेक्शन में, चौथी भी थी, कैलेंडर भी था। गुरुजी दुनिया में कुछ है नहीं। पापा चाहते हैं कि जिस जिस तरफ मैं देखूं वहाँ वहाँ गुरुजी दिखे मुझे। चलो मैं तो तैयार हूँ भाई, ऐसी मेहंदी लगवाऊंगा इस बार, ऐसी मेहंदी लगाऊंगा तेरे बालों पे अगर उतर भी जाए तो। गुस्सा होना ऐसा लग रहा मेहंदी कम लगवाने जा रहे हैं, बदला लेने जा रहे हैं। गुस्सा इसलिए हूँ यार, ये बंदी अजीब है, मतलब मेरे को बोलती है कि ठीक है चलो मैं अभी ऑफिस से आया था, कह रही है भी अभी आई थी मेरे साथ, और मुझे ऐसा था कि भाई मुझे भी हेड मसाज लेनी थी, मार्केट में बंद हो जाता सैलून वगैरह, ये चलती नहीं है भाई, इसके काम पे काम, काम पे काम अड़े ही रहते हैं। उधर से ब्राउन शुगर ने आज मेरी शर्टों में पोटी पोटी कर दी, मैं नहीं खा रहा भाई। और ये मेरे से डरती डरती कह रही पता ना चले इसने, फटाफट आते ही भाई बाल्टी में भिगो दी वो, पूरी मार्केट जो है भाई भर गई है पूरी तरह से। सारी सुहागन औरतें अपने हाथों पर रंगवाने आई है, पता नहीं क्या मिल जाता है इनको हाथ पीले करके। मैं वैसे स्केच पेन से बना देता काम मेहंदी लगा, वैसे ऐसे क्यों बोलते कि हाथ पीले करने हैं, हाथ तो लाल होते जो मेहंदी लगाते हैं। आई वॉन्ट टू नो, कॉमेंट्स में बताना ये चीज मेरे को, इस भाई की कहानी नहीं खत्म हो रही। यार कहाँ से लेके आए हो? मैं लेके आया हूँ, हर चीज का ब्लेम पति पे चाहे आओ खुद, मेरे पे क्या ब्लेम है इस चीज का, ये भारत देश है मेरा ऐसा ही है। तो साइड मसाज वाला खुला मिल जाए यार, 9 बज गए आते आते। देख इतने सारे मेहंदी वाले हैं, कहाँ लगवाएगी ये बता दे, ये तो अच्छा लग रहा है, तू कहाँ मिलेगी बता देना, मैं हेड मसाज कराया हूँ। यार थोड़ा लॉजिकल बोल ले, सही रेट पता नहीं कौन सा लगाएगा, मैं डिसाइड करूंगी ना डिजाइन देख के, तब तेरा डिसाइड हो जाए जब चिट्ठी भेजो कबूतर के हाथ। मुझे मिल गई तो मैं ले जाऊंगा, नहीं मिली तो फिर आ जाइयो, हम करा लेते हैं हेड मसाज। हेड मसाज कराती फिर पूजा को ढूंढेंगे, उसको ऐसे बोला है वो सिग्नल दे देगी आर आर आर। पूरे 10 मिनट लिए उसने ये सोचने में कि वो कैसे मुझे ढूंढेगी, मैं उसको कैसे ढूंढूंगा विदाउट फोन। # पूजा लॉजिक, मिलूंगी नहीं मिलूंगी, यहीं पे बैठी है उससे सामने बैठी। हाँ जी, क्या लिखवा रहे हो नाम बताओ। भाई आज इतना रेट चार्ज कर रहे हैं इस मेहंदी का, दिन में आई थी 500 रुपए ले रहे थे, तो मैंने बोला दिन में करा ले तो दिन में टाइम नहीं आना, कोई नहीं, पर आज इनकी भी आज आज की दिवाली है, कल से कोई नहीं आना। ये कह रही है मेरा नाम खुद लिखो, मेरी राइटिंग खराब है भाई, मेरे से लिखा जाएगा, लेट्स ट्राई। आज तक लिखा कुछ समझ नहीं आया, मुझे सिर्फ ये समझ आया बहुत बड़ा लिख दिया, लेकिन मैंने अच्छे से बना ना, अब यहाँ पे लिखना पूजा लिखवा दे, लिखवा दे, बड़ी खुशी हुई। चलो थैंक यू भाई, खोल ले ना खुद ही खोल ले, आज पूरा बढ़िया बदला लेने का दिन है। 2 घंटे के लिए मैं राजा हूँ घर का, फिर 2 घंटे बाद पिटाई करेगी मेरी, उधर से बाहर से जाके बंद करनी पड़ेगी, नहीं होगा आज तो VIP सर्विस पूजा। वहीं पे हाँ चल 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 चल, मेरे को गोलगप्पे पसंद नहीं थे, चिड़ होती थी जब ये खाती थी, पर भाई क्या गोलगप्पे बनाते हैं भैया, आज तो भीड़ लगी मिलेगी वहाँ, चलो वहीं चलते हैं। नहीं वो और पीछे था, नहीं नहीं जानी था, पूछो इनसे, ये गोलगप्पे वाला कहाँ है भैया, गया चले गए। ओहो इतना रिग्रेट तो मुझे कभी किसी चीज का नहीं हुआ, कहीं और चलना है। चलो थैंक यू भैया, बताओ कहाँ चलोगे, चल मुंह मत सोजा, कहीं ना कहीं चलते, परेशान मत हो, लेके जाता हूँ तेरे को कहीं ना, मन आपका मन तो मेरा भी है, तो मुंह में पानी आ ही जाता है भाई गोलगप्पे की बात सुन के, अपने जैसा बना लिया इसने मुझे। अब आपको ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है, चाट पापड़ी टिक्की, मुझे तो कई बार लगता है मैं प्रेग्नेंट होने वाला हूँ। लड़कियों को तो चलो अमूमन पसंद होते हैं, इसको लेके जा रहा हूँ मैं सेक्टर 4, यहाँ से सेक्टर 4 है 20 मिनट दूर, भैया को हमने बोला 10 मिनट में आ रहे हैं, तो गाड़ी थोड़ी तेज चलानी पड़ेगी, तो सबसे फेमस पाव भाजी जो गुड़गांव की सेक्टर 4 में मिलती है, तो वहाँ जा रहे हैं। ठीक है थोड़ा तेज चलाऊंगा, बेल्ट पहना देता हूँ तेरे को, तो आपने ऐसे घुमा घुमा के मत चलाना, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चलाना। तेज चलाने का मतलब ये थोड़ी है मैं किसी गाड़ी में पार निकाल दूंगा, आर पार सीधा चलाते रहो, मोड़नी पड़ेगी भाई गाड़ी। लो मेरी नई नवेली दुल्हन, ये लो बस लग गई बेल्ट, चलो अभी टाइम लगेगा सूखने में। पूरे गुड़गांव को जो है घोड़े की स्पीड से पार करते हुए हम लोग पहुंच गए सेक्टर 7 और 4,
दोनों आमने सामने हैं, खिलाएंगे आपको पाव भाजी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ पूजा जी? भाई मुंह में ना 1 किलो पानी भरा, कैसे बताऊं कभी भी गिर सकता है। सारे ट्यूशन ना पूजा, सारे गुड़गांव के ट्यूशन, यही सेक्टर 4-7 में, और बंदे ज्वाइन भी इसलिए करते हैं बंदी अच्छी दिखती है उनको। हाँ, स्कूल के बाद बंदे बंदियां सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक्टिवा एक्टिवा दौड़ती रहती है यहाँ पे। पहले भाई ठेला था भाई का, अब जो दुकान बन गई है भाई। देखो सारे स्विगी वगैरह आधे डोमिनोज पे आधे वहाँ पे आए। इसे बोलते हैं पूजा मेहनत और ग्रोथ, देख रहे हो आप। लाओ थैंक यू। चलो भाई टेस्ट करो, कल तो आपका व्रत है, आज आपको आपकी फेवरेट चीज खिलाते हैं। नहीं पसंद आया और खिलाऊं? आहो जी आहो, आगे स्वाद। हाँ बताओ तुसी, स्वाद आया था उन्नू? टाइम बता दो, टाइम 12 तो नहीं बज गए, टाइम 12 नहीं 11:55 हो रहे हैं। पर भाई ये घड़ी गलत है, असली टाइम जो हो रहा है वो 10:59 हो रहा है। हैप्पी करवा चौथ, मेहंदी तो दिखा दे, आटा लगा हुआ मेहंदी पे तेरी। तो आज लंच में जा रही है दही गोभी और रोटी, ठीक है आज फिनिश करके आऊंगा। पूजा ने पिछले 3 बार ही मेरे को लंच दिया, मैं 3 बार भाई खा के नहीं आया। पता नहीं लंच खोलने का मन ही नहीं करता, जब ये ऑफिस आ जाती है ना मेरे साथ तो खा लेते हैं, बट अदरवाइज नहीं खाया जाता। क्या हुआ, चमचा नहीं मिल रहा? चम्मच नहीं मिल रही। बार चढ़ा है रंग, पीछे नहीं चढ़ा, यानी मैं तेरे को तेरे फेस के सामने प्यार करता हूँ, पीछे से नहीं करता है। चलो बाय। हाय भाई, सो मैं बड़ा स्कूल जैसा लगता है एकदम ऑफिस जाते हुए। हाँ करवा चौथ पे नवरात्र में तो तू ओवर सजती है ना कुछ। हाँ सही है, लेकिन उसी से फील आती है भाई, ऐसा लगता है त्योहार है। एक ये मेरा बैग, एक सीट ये घेर लेता है। चलो ये बैग भाई मैं चाइना से लाया था, शाओमी का बैग है, बहुत प्यारा बैग है, 2000 रुपये का है, बहुत ही ड्यूरेबल, अंदर से इतनी पॉकेट्स, इतनी सारी चीज़ें इसमें, स्टोरेज वगैरह। 3 फ्लोर सीढ़ियाँ ली मैंने, 3 फ्लोर नीचे उतर गया लिफ्ट से, फिर चढ़ते हुए थोड़ा सा थक गए थे। अच्छा मेहंदी मेरी बड़ी डार्क रची है भाई, ये देखो। देखो कौन आया हमारे ऑफिस, हमारे गेस्ट आए हैं दिन के 2 बजे, क्या बात है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं 1 बजे तक आ जाऊंगी, फिर आप बोले कोई बड़े सोने लग रहे हैं आज तक करवा चौथ पे, बड़ा सोना लग रहा है। थैंक यू। और बताओ खुशखबरी दूं? रुको बताओ, मैं गेस करती हूं कुछ। करो गेस करो आप। ब्लॉग अपलोड कर दिया। अरे ब्लॉग तो अपलोड कब का हो गया, ये कोई खुशखबरी है? तुम्हारा डेली रूटीन है, वीकली रूटीन है, 10 दिन का तो है भाई। एक सेल हो गई। हाँ एक फ्लैट बेच दिया। ट्रेडर साहब एसी तो ठीक है, एसी जैसी बंद करेंगे ना यहाँ पे, क्या है बहुत ज्यादा आउटलेट नहीं होता कॉर्पोरेट पार्क्स में, खिड़की उड़की खोलने मन लेना, फिर क्या होता है पोलन वोलन या पता नहीं डस्ट माइट होते हैं क्या होते हैं, मेरे गले में एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। इनलेट ये वाला है ना, आप इसको बंद करवा लो किसी तरह। ये देख के मुझे वो पिक्चर याद आती है, चोर मचाए शोर याद है, उसमें वो एसी के वेंट में घुस घुस के हीरे चुरा लेता है। बड़ी अच्छी लगती थी मेरे को मूवी, मैंने 10 बार देखी कम से कम। तो पता रेड राइडिंग हुड जैसी है, पीला बैग, हरे कपड़े, लाल ये, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट जैसे वो हमारी फेरी टेल्स में एक लड़की नहीं होती थी ऐसे, वो घूम बन के घूमती रहती है डॉल जैसी। भूखी लगी है? नहीं। 8 बज गए भाई, भूखी नहीं लग रही आज, क्या बात है। असल में तुम ऑफिस आ गए ना, मैं ऑफिस आने के बाद भूख नहीं लगती, काम इतने हो जाते हैं आज, भूख प्यास सब भूल जाता है। मैं घर पे रहती ना तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता, आज तो टाइम का पता ही नहीं चला। राजमा बना रहे हो? वाओ, राजमा एक खीर है, रायता, राइस है, चावल है, इकट्ठे खाएंगे मुझे। अभी लंच कर, तुम भी खाओगे राजमा, राजमा लंच खाओ। वेट कर रहे हैं मेरे द्वार पर, आते ही मेरे बच्चे इतना प्यार करते हैं मेरे को बहुत ज्यादा। टाइम तो हो गया, चांद निकलने का, 8:11 दिखा रहा, 8:20 हो गए, और चंदा मामा भी नखरे करते हैं आज के दिन। 8:20 हो गए, 8:20 हो गए सही में। हाँ डैडी बुला रहे थे, बताओ। देखो सूजन हो गया, चांद निकल के आया है और 15 मिनट ले रही है लड़की, अभी इसको चक्कर आ रहे थे। अरे वाह सोनिया, बहुत सोना लगा तू तो, बड़ा सोना लगा तू तो लाल साड़ी में। हाँ सुहागन, चलो आपकी बारी, कुछ नया नहीं था ना, बट मेरा रेड ड्रेस पहनने का बहुत मन था, तो फिर मैंने कुछ जुगाड़ करके। चलो आओ। अच्छा यहाँ पे वो रखा था भाई, हमने जो पतासे का होता है, चीटियाँ इतनी छोड़ गई 1000, फिर इसके पानी में घुस गई। अब 1000 से भी ज्यादा थी पूजा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मेरी काउंटिंग बड़ी तेज है। हम लोग आते आते गाड़ियां गिनते थे तो फिर भी चीटिया थी। ऊपर सिर ना लगे, सिर बचा, ऐसा लग रहा है जो इस छलनी पे जो लेस लगी हुई ना, तेरी साड़ी पे भी लगी हुई। और छलनी पे भी कैसे चीटिया आ गई सारी जगह। छोड़ो आप, यहाँ मत जाना, यहाँ मम्मी की बार बार बार। ये देखो भाई छोटी छोटी चीटिया, ये देखो सारी चीटियां रखी हैं, कितनी सारी। और तुमने यही छोड़ दिया इसको सीढ़ियों में? यार बड़ी स्मार्ट बंदी है, तूने इसको वहीं रख दिया, सारे पे चीटी सारे में फैल गई। क्या इस पे भी है क्या चीटियां? नहीं नहीं इस पे नहीं, एक ही थी, उड़ा दी। मम्मी की जय कर लो। चला चंदा मामा को देखते हुए पति को निहारेंगी। Cause we were always chin to chin, so close.
बाल्टी पानी पी सकती है इस टाइम में, बेचारी इतनी भूखी थी। पानी से पेट भर जाएगा, अब ज्यादा नहीं खाया जाएगा जब से भूखी। हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन, आई होप आपके लिए इतना ही प्यारा रहा ये त्यौहार। ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द लव टू यू गाइस। बड़ी इस करवा चौथ ये बहुत अच्छा लगा मुझे, चंदा मामा टाइम से आ गए बिल्कुल, है ना? आपको भी पता नहीं चला इस बार? नहीं आपने बताया ना। हाँ मतलब नहीं टाइम से आ गए, मतलब वेट नहीं कराया इस बार बिल्कुल भी। पता है क्या हुआ था, याद है ना? हाँ बादल आ गए थे और सब ने जो है शिव भगवान की मूर्ति को अर्घ दे दिया, फिर जो व्रत खोला था। पूजा भी बेचारी रोई रही थी, रोने को हो गई थी, आंसू आ गए इसके आंखों में, तभी चंदा मामा दिख गए भाई। बड़ा वो तो मूवी सीन। ये होता भाई जब आपकी बीवी अंदर से तो बड़ी मॉडर्न है, पर आज संस्कारी दिन भाई, संस्कारी बन गई, क्या बात है, कितनी खुशी हुई है। ऐसे हो रही है अभी तो, बस दो मिनट में चेंज कर ले। ओ, संस्कारी संस्कारी।